न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात अर्मेनिया अजरबैजान महायुद्ध के 19वें दिन की। अजरबैजान अर्मेनिया महायुद्ध सदी का सबसे बड़ा त्रासदी के तौर पर सामने है। अब तक 40,000 लोगों का नरसंहार हुआ। 12 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग जंग के मैदान में हैं। जंग से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध। 19 दिनों से जारी अजरबैजान आर्मेनिया की खूनी जंग सदी का सबसे बड़ा नरसंहार बन चुकी है। इस जंग में अब तक करीब 40,000 लोगों की जान गई है। दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत भी हुई है। दोनों देशों में हर तरफ चीख पुकार और चित्कार का मंजर है। भीषण युद्ध में अजरबैजान ने आर्मेनिया की एक मिसाइल लॉन्चर बेस को तबाह कर दिया। इस मिसाइल लॉन्चर बेस से आर्मेनिया की आर्मी ने अजरबैजान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। आर्मेनियाई आर्मी 19 दिनों से नारगोनो काराबाख में अजरबैजान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक कर रही थी। कुछ घंटे पहले आर्मेनिया ने अजरबैजान की सेना पर जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में अजरबैजान के कई आर्मी कैंप तबाह हो गए। मिसाइलों और गोलों की बौछार से अजरबैजानी सैनिकों के पैर उखड़ गए और उसके सैनिक जान बचाकर भागते दिखाई दिए। अजरबैजान का दावा है कि उसने आर्मेनिया के एक सैन्य काफिले को तबाह कर दिया है। अजरबैजान के मुताबिक आर्मेनिया सेना की यूनिट हमले की योजना बना रही थी। हमले से पहले ही अजरबैजान ने ड्रोन अटैक से आर्मेनिया की सैन्य यूनिट को तबाह कर दिया। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग विभत्स हो चुकी है। अब काराबाख के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलों और बमों की बौछार हो रही है। स्कूल, अस्पताल, चर्च सब कुछ तबाह हो गए हैं। अस्पतालों में मरीजों पर भी बम बरसाए गए तो नर्सरी के स्कूलों पर भी हमला किया गया। गोलियों से स्कूलों की दीवारों को छलनी कर दिया गया। अजरबैजान आर्मेनिया महायुद्ध की विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं। रिहायशी इलाकों में मकानों पर मिसाइलों से बौछार की गई। हमले में कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। इस हमले में कई लोगों की मौत भी हुई है। काराबाख में अजरबैजान के खिलाफ जंग तेज हो गई है। इस युद्ध में अब 90 साल के बुजुर्ग भी उतर आए हैं। काराबाख में बड़ी संख्या में आम लोग आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। स्थानीय जनता आखिरी सांस तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। टार्टर से सामने आई ये तस्वीरें भीषण जंग की तस्दीक कराती है। आरोप है कि यहाँ अजरबैजानी स्टेट टेलीविजन के दफ्तर को आर्मेनियाई आर्टिलरी ने टारगेट कर गोले दागे। इस हमले में कई मीडिया कर्मी बाल बाल बच गए। नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनगढ़ को अजरबैजान की फौज भारी हथियारों से निशाना बना रही है। स्टेपनगढ़ में लगातार धमाके सुने जा रहे हैं। यहां हवाई हमलों से भारी तबाही हुई है। अजरबैजान के हमलों से डरे हुए लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।